चलिए बढ़ते हैं आगे। आपने आज तक पुस्तकों की लाइब्रेरी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या खिलौनों की लाइब्रेरी के बारे में आपने कभी सुना है? जी हाँ, महाराष्ट्र और दक्षिण राज्यों के बाद राजस्थान में भी अब दबे पांव खिलौनों की लाइब्रेरी ने दस्तक दे दी है। यहां बच्चे खेलने आ सकते हैं और किराए पर खिलौने घर भी ले जा सकते हैं। ऐसे में बच्चों में शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता तो बढ़ी है, साथ ही बच्चों की महंगे खिलौने दिलाने की जिद से मां बाप को छुटकारा मिल गया है। जोधपुर के अनूप जैन और उनकी पत्नी प्रियंका जैन ने खिलौनों की लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट का उपयोग किया, जो अब सफल होता नजर आ रहा है। कोई और खुश हो न हो, पर बच्चों की तो मौज हो गई है। साथ ही माता पिता इसलिए खुश हैं क्योंकि एक तो महंगे खिलौने लाने से छुटकारा मिल गया और घंटों वीडियो गेम खेलने वाले बच्चे शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाले खिलौनों से खेलते हैं। एक्चुअली मैं पहले घर पे बहुत सारे वीडियो गेम्स खेलती थी एंड मैं घर पे रहना ज़्यादा प्रेफर करती थी, तो अभी यहाँ पर जब से टॉयज आए हैं यहाँ मेरे पास घर पे मतलब बोर्ड गेम्स बहुत कम है, तो यहाँ पर वो बहुत सारे हैं, तो हम लोग हर वीक आके नया गेम ले जाते हैं। हाँ, बहुत तनाव कम हुआ है, बच्चे मतलब कंप्यूटर और टीवी से हम लोग दिन भर परेशान हो जाते हैं कि बंद करो नहीं बंद करते, तो थोड़ी देर यहाँ आ जाते हैं या गेम घर लेकर जाते हैं, उनसे खेलते हैं, तो काफी मतलब चेंज आया है बच्चों में भी। किड्स बैंक नामक खिलौनों की लाइब्रेरी की संचालिका प्रियंका जैन भी काफी संतुष्ट नजर आ रही है। तो शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप जैन का कहना है कि टीवी और वीडियो गेम के साथ चिपके रहने वाले बच्चे शारीरिक गतिविधियों से दूर हो जाते हैं, ऐसे में यह कॉन्सेप्ट काफी उपयोगी साबित हो सकता है। बच्चे आजकल टीवी कंप्यूटर्स और इन सब के तरफ बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, प्ले स्टेशन कंप्यूटर गेम्स इन्हीं से बच्चे लगे रहते हैं, जिस वजह से बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रही है। तो हमें लग रहा था कि बच्चों को थोड़ा और ऑप्शंस मिलने चाहिए जिससे बच्चे दूसरे माइंड गेम्स और दूसरे एक्टिविटीज की तरफ डाइवर्ट हो। तो लगातार बैठे बैठे खाते रहना, उससे मोटापा बढ़ना, लगातार एक हाई इंटेंसिटी लाइट की तरफ देखना, उसे आंखों में जीरोसिस, आंखों में पावर विजन लॉस और इरिटेबिलिटी, ये सब बढ़ते गए। न सिर्फ फिजिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स भी, परंतु एज ए थेरेपी इट हैज बीन यूज्ड, प्ले थेरेपी एक कांसेप्ट होता है। गौरतलब है कि वीडियो गेम के आने के बाद जहां नए जमाने के बच्चे खेल और शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाली गतिविधियों से दूर हो गए और महंगे खिलौनों ने अभिभावकों के सामने कई परेशानियां खड़ी कर दी, ऐसे में अपनी पसंद के महंगे खिलौने जब खिलौनों की लाइब्रेरी से किराए पर लेकर खेल रहे हैं तो बच्चों को मस्ती और अभिभावकों को संतुष्टि होना स्वाभाविक है। जमाना बदल गया है तो ऐसे में बच्चों की सोच भी बदल गई है। सोच बदलने के साथ में वीडियो कंप्यूटर और टीवी को छोड़ने का बच्चे नाम तक नहीं ले रहे थे, मगर जोधपुर में कॉन्सेप्ट ऐसा आया कि पुस्तकों की तरह खिलौनों की लाइब्रेरी जो खुल गई है। माता पिता का नाम तो कम हुआ ही है, साथ ही बच्चों को नई खुशी मिल गई है। कैमरामैन सुशील के साथ राजीव गौड़, इटीवी न्यूज़ जोधपुर।